गुड मॉर्निंग सेवन क्लास। हमने आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, ये आपके सेकेंड टर्म के बाद जो है फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, फोर्थ से। ठीक है, तो इसमें हम मीडिया के बारे में जो है पढ़ेंगे और मीडिया डेमोक्रेसी में कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उसका क्या रोल होता है, ये हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जानेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक ओपिनियन। डेमोक्रेसी में जो है पब्लिक ओपिनियन ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉपुलर ओपिनियन इज शेप्ड बाय रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा। और जो पब्लिक ओपिनियन है वो किस पर बनता है, रेडियो में, टेलीविजन में और सिनेमा में जो चीज़ें दिखाई जा रही होती है उसके थ्रू जो है पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है। रेडियो कैन रीच मोर पीपल देन द प्रिंट मीडिया। जो रेडियो है उसकी पहुंच ज़्यादातर लोगों तक होती है प्रिंट मीडिया के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि जो रेडियो है उसको सुनकर चाहे जो लोग हैं वो इलिटरेट हो या एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, दोनों जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। द प्रेस डज नॉट ओनली शेप पब्लिक ओपिनियन, इट ऑल्सो गिव्स एक्सप्रेशन टू द ओपिनियंस ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और जो प्रेस होती है वो सिर्फ पब्लिक ओपिनियन ही नहीं बनाती, यहाँ तक कि जो पब्लिक का विचार है, जो लोग हैं उनको भी रिप्रेजेंट करने का काम या उनके विचारों को एक्सप्रेस करने का काम भी करती है। मीडिया, वेदर इट इज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, बोथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। मीडिया चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, उन सब चीज़ों के बारे में जो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में घट रहा है। एंड कीप द पीपल अलर्ट, ठीक है, और लोगों को अलर्ट करने में। डेमोक्रेसी इज इन सम वेज अ मोस्ट डेलिकेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है बहुत ज़्यादा कैसे होती है, डेलीकेटेड होती है, कोमल होती है। इट वर्क्स ओनली इफ ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस बिहेव रिस्पॉन्सिबली। और ये जो है तभी अच्छे से वर्क कर पाती है जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी लोग हैं वो अपना फंक्शन या जो भी अपना वर्क है वो अच्छे से करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है बिहेव करें। देयर आर इसेंशियल टू कंपोनेंट्स इन द गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दो चीज़ें, दो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो गवर्नमेंट और दूसरा सिटीजन्स यानी सरकार और दूसरा नागरिक। इट इज गवर्नड बाय कंसेंट एंड नॉट बाय फोर्स। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे लोगों पर गवर्न करती है, उनकी इच्छा के हिसाब से, ठीक है, बाय फोर्स, फोर्स का यूज करके नहीं करती। इट इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एवरी गवर्नमेंट हैज टू थिंक टू इट्स पॉलिसीज। एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज के बारे में सोचना पड़ता है। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्टीज। और फिर जो है वही जो गवर्नमेंट होती है, सरकारें होती है, वो कौन बनाती है, पार्टीज बनाती है, अलग अलग जो पार्टीज होते हैं वो बनाती है। सो बोथ द रूलिंग एंड द पार्टीज सिटिंग और एन ऑन ऑपोजिशन बेंचेस कंटिन्यू टू कीप देमसेल्व्स इन टच विद कॉमन पीपल। क्योंकि किसी भी पार्टी को अगर मेजोरिटी वोट चाहिए तो उसको जो है लोगों के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, चाहे पार्टी कोई रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टी हो जिसको मेजोरिटी में वोट नहीं मिले, ठीक है। दोनों ही किसके टच में होती है, कॉमन पीपल यानी आम लोगों के टच में होती है। ऑल पार्टीज वॉन्ट टू कम बैक टू पावर, हर पार्टी जो है पावर में आना चाहती है। कमिंग बैक टू पावर डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट इलेक्शन विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन वट पीपल हैव थॉट ऑफ इट्स वर्क व्हेन इट वॉज इन ऑफिस। और जो है अगले इलेक्शन का वेट करना पड़ेगा अगर उन्हें पावर में आना है तो, और अगले इलेक्शन में भी उन्हें मेजोरिटी में वोट तभी मिलेंगे जब जो है पब्लिक ओपिनियन या जो पब्लिक है उनके बारे में क्या सोचती है इस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। सो पब्लिक ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बनाने के लिए। नो पार्टी वुड नॉट लाइक टू इग्नोर द रोल ऑफ पब्लिक इन प्रोवाइडिंग मेजोरिटी। और अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी चाहिए तो पब्लिक को इग्नोर नहीं कर सकती। मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अब मीडिया जो है पब्लिक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ऑन द अदर हैंड पब्लिक ओपिनियन कैन ऑल्सो कंट्रोल एंड चेक व्हाट द गवर्नमेंट डज। और जो है पब्लिक ओपिनियन भी जो है एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मीडिया इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन। और जो मीडिया है वो हमें पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन या जो पब्लिक डिबेट साइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन देती रहती है। मीडिया मेक्स इट इज ईजी फॉर द पब्लिक टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन अबाउट पब्लिक अफेयर्स। और जो है मीडिया हमें जो है हमारा अपना ओपिनियन बनाने में जो है हेल्प करती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ मीडिया, इम्पॉर्टेंट एजेंसीज कौन सी मीडिया की, पब्लिक ओपिनियन इज फॉर्म्ड इन मैनी वेज। पब्लिक ओपिनियन जो है बहुत तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। सेवरल एजेंसीज हैव अ हैंड इन शेपिंग इट, बहुत सारी एजेंसीज इसके लिए काम करती है। सच एजेंसीज इंक्लूड प्रेस और न्यूज़पेपर। और ऐसी कुछ एजेंसीज है प्रेस, न्यूज़पेपर, ठीक है, इलेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन लाइक सिनेमा, टेलीविजन एंड रेडियो। ये सब जो है मीडिया के एजेंसीज हैं, ठीक है, इन्हीं के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। प्रेस और प्रिंट मीडिया, एक एक करके हम इन सारे एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रेस और प्रिंट मीडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी।
जो फ्रीडम होता है प्रेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, टू फॉर्म आर ओपिनियन अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, ताकि जो है हम अपना विचार रख सके गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में. ठीक है, वी मस्ट फर्स्ट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. अब पॉलिसीज के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम अपना विचार उस पर रखेंगे. और ये जो इन्फॉर्मेशन है पॉलिसीज के बारे में वो हमें कहाँ से मिलती है, मीडिया के थ्रू मिलती है. न्यूज़पेपर्स कैरी द वर्ल्ड्स न्यूज़ टू अस, और जो न्यूज़पेपर है वो हर तरीके की न्यूज़ अपनी कंट्री के नहीं, यहाँ तक कि वर्ल्ड की जो न्यूज़ है वो भी कैरी करती है, जिसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. प्रिंट मीडिया ऑल्सो इंक्लूड्स मैगजीन, जर्नल्स एंड बुक्स. और प्रिंट मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे मैगजीन, जर्नल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब प्रिंट मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं. प्रिंट मीडिया प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, प्रिंट मीडिया हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर्स. तो जो मीडिया है, प्रेस मीडिया है, उसका काम क्या है, हमें नेशनल यानी जो अपने कंट्री में जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, और इंटरनेशनल जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देना. वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डेली न्यूज़पेपर्स, हमारे पास बहुत सारे जो है डेली न्यूज़पेपर्स भी आते हैं. ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिल्डिंग आर डेमोक्रेटिक लाइफ. और जो डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं ये हर दिन में जो घटनाएं घट रही हैं या गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज ला रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं. डेवलपमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल पब्लिक ओपिनियन विल देयरफॉर नीड एन एक्टिव फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस. और जो है अगर डेवलपमेंट चाहिए पब्लिक ओपिनियन में, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो प्रेस है वो एक्टिव हो, फ्री हो और रिस्पॉन्सिबल हो. ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो. ऑफ प्रेस दैट कैरीज न्यूज़ एज एक्यूरेटली एज इट कैन. और जो है प्रेस का काम क्या है, एक्यूरेट एकदम सही और जो है अच्छी न्यूज़ को कैरी करना. ठीक है, अच्छी नहीं पर सही न्यूज़ कैरी करें. ठीक है, ऐसी न्यूज़ ना हो उसके पास जो बेमतलब की हो या अफवाहें हों. ठीक है, मीडिया सर्व्स डेमोक्रेसी स्पेशली द न्यूज़पेपर्स गाइड द पीपल एंड इनेबल देम टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियन एंड एक्सप्रेस देम. और जो मीडिया का काम है वो क्या काम है कि न्यूज़पेपर के थ्रू जो है लोगों को गाइड करना, उन्हें जो है अपना ओपिनियन बनाने के लिए जो है प्रोत्साहन देना. ठीक है, और उनके जो खुद के व्यूज़ हैं पब्लिक के व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है ना. डेमोक्रेसी मीडिया ऑल्सो प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों की जो है लोकतांत्रिक जो वैल्यूज़ होती हैं उसको प्रोटेक्ट रखना. सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मीडिया एंड इट्स फ्रीडम. और तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मीडिया और उसकी फ्रीडम के बारे में. मीडिया शुड बी फ्री एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. मीडिया के ऊपर जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री होनी चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट न्यूज़ दिखा पाएगी. अगर गवर्नमेंट का प्रेशर होगा मीडिया पर तो वो हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में न्यूज़ दिखाएगी जो कि सही भी नहीं होगी. ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारी गवर्नमेंट सही काम कर रही है गलत. रिपोर्ट्स शुड बी एक्यूरेट, इवेंट्स मस्ट बी रिपोर्टेड करेक्टली. जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसे होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए. और इवेंट्स जो भी घट रहे हैं वो अच्छे से रिपोर्टेड किए जाने चाहिए, यानी जो भी पॉलिसीज बनाई गई है, जो भी घटनाएं हो रही हैं वो एकदम अच्छे से हमें पता चलनी चाहिए, सही सही. ठीक है, सिटीजन्स मस्ट सी द गवर्नमेंट डज नॉट करटेल फ्रीडम ऑफ द प्रेस. और उनको देखना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है फ्रीडम प्रेस की ना छीने. ठीक है, तो सिटीजन्स को ये भी चेक करते रहना चाहिए. इट शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल प्रीजस्टिशियस एंड सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स ऑफ द न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर की जो अपने ओनर है या जो मालिक हैं वो भी सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें या अपने वेलफेयर के लिए काम ना करें, ये भी इंपॉर्टेंट है. सो अ फ्री प्रेस इज एन एसेट फॉर द कंट्री. तो एक फ्री प्रेस जो है वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. एन एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट में हाइंडर फ्रॉम फ्री फ्लो ऑफ न्यूज़. और जो है अगर एक्सेसिव कंट्रोल नहीं होगा गवर्नमेंट का न्यूज़ पर या न्यूज़पेपर्स पर या मीडिया पर, तो फिर हमें भी न्यूज़ जो है एकदम सही मिल पाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे.